सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम करेंगे रैम अपग्रेड। तो मेरा लैपटॉप जो है Lenovo IdeaPad S145 में मैंने किया है 4GB का रैम अपग्रेड। तो मैंने अमेज़ॉन से ये रैम को ऑर्डर किया है। 266 मेगाहर्ट्ज़ का ये DDR4 क्रूशियल का रैम स्टिक है 4GB का। तो मैंने अमेज़ॉन से ये परचेज़ किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस रैम के साथ आता है 10 साल की वारंटी। सो गाइज़ इसका प्राइस मुझे पड़ा है 1660 रुपये का। अगर आप भी लैपटॉप का रैम अपग्रेड करना चाहते हो और कंफ्यूज हो कौन सा वाला रैम आपके सिस्टम के साथ कंपेटेबल है, तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप रैम को जो है सिलेक्ट कर सकते हो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो मेरे लैपटॉप की केस में यहाँ पे तीनों अलग अलग साइजेस का स्क्रूज़ है, इसलिए मैंने ये जुगाड़ किया है ताकि सभी स्क्रूज़ को अलग अलग रखा जा सके, ताकि लगाने के टाइम में कोई डैमेजेस ना हो। तो अच्छी तरीके से स्क्रूज़ को अनस्क्रू करने के बाद आपको एक सेपरेशन टूल चाहिए। मैंने सेपरेशन करने के लिए जुगाड़ लगाया है गिटार पिक को, जिससे कि गिटार प्ले किया जाता है। तो उस पिक से हम लोग यहाँ पे एक सेपरेशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि चैसी के अंदर इंटरनल कुछ लॉक्स होता है, उस लॉक्स को अनलॉक करना पड़ता है। अगर ज़्यादा हार्ड आप इसे उठाओगे तो वो लॉक्स जो है ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेपरेशन टूल के यूज़ किया है। तो आपको भी ऐसे अच्छे तरीके से आपको सेपरेट करना है और आपका जो चैसी है उसको अनलॉक कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जियोनिक्स का SSD लगा हुआ है लैपटॉप में। उसके बाद यहाँ पे एक रैम स्टिक खाली है, उसमें हम लगाएंगे इस क्रूशल स्टिक को। तो आपको सिंपली अलाइन करके आपको जो है लगा लेना है ऐसे। तो बैक चैसी को फिर से लॉक करने से पहले आपको कंफर्मेशन कर लेना है कि आपका रैम जो है सक्सेसफुली सिस्टम ने डिटेक्ट किया है और आपका रैम जो है सक्सेसफुली वर्किंग में है। तो यहाँ पे देखने के लिए आप सिस्टम प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे लैपटॉप में 4GB का रैम सोल्डेट रैम है और मैंने 4GB का स्टिक अपग्रेड किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो 8GB का रैम जो है सिस्टम ने सक्सेसफुली डिटेक्ट जो है कर रहा है। तो सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के बगैर भी आप टास्क मैनेजर खोल के आप यहाँ पे देख सकते हो रैम का क्या यूजेस है और कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो परफॉर्मेंस रिपोर्ट में यहाँ पे 7.9GB का जो है रैम यूजेबल है और अभी जो है 4.3GB का रैम जो है यूज़ कर रहा है सिस्टम। तो यहाँ पे मेरा जो है रैम अपग्रेड का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो है पीछे का चैसी में अनस्क्रू जो किया था वो लॉक कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हो इन फ्यूचर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले।